students, welcome to Arihant Padhaku, Season 4, Revision for Board Exams. Here I am, Kavita Saxena, a senior teacher of geography, telling you about the change pattern of board exam for 2020. The things I am going to share with you will definitely help you to score better and revise in the worst possible manner in your upcoming board exam. So please listen to each and every detail what I am going to tell you. Students, जैसे आप जानते हैं, इस साल geography के paper में दो main changes आए हैं. First is the introduction of MCQs, or rather OTQs, one marker questions, right? Which are of 18 marks. 18 marks के हमारे question हैं, तो वो एक से लेके 18 question तक आपसे एक number का question पूछा जाएगा. ये जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जिसमें चार चॉइसेस आती हैं. दे कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट और एनी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. हाँ, आपको उसमें चॉइसेस जरूर आएंगी, वो आपको खुद लिखना होगा. इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक थरोली पढ़ना पड़ेगा. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज है, इंट्रोडक्शन ऑफ चॉइसेस, मोर चॉइसेस. इस बार बोर्ड ने आपके 1 marker, 3 marker एंड 5 markers में और चॉइसेस दिया है. एज यू कैन सी द एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न, आउट ऑफ 70 marks, 10 marks का हमारा मैप वर्क होता है. 10 marks बहुत स्कोरिंग बन जाता है अगर आपने मैप की अच्छी थॉरली प्रैक्टिस करी हो. उसके लिए आपको बिल्कुल पेन और मैप लेके बैठना पड़ेगा, उसके लोकेशन बनानी पड़ेगी. 10 marks गए, अब बचे 60 marks. 60 में 18 का MCQs मैंने आपको बता दिया. अब हमारे ओनली 4 questions ऑफ 3 marks आते हैं. ओनली 4 questions ऑफ 3 marks एंड अगेन दैट विल बी 2 फ्रॉम ईच बुक. हर बुक किताब में से 2 questions आएंगे. बट ज्योग्राफी में एक चीज आप ये समझ के चलिए कि बोर्ड ने किसी भी चैप्टर का हमें मार्क्स ब्रेकअप नहीं दिया हुआ. हमारा कोई भी चैप्टर एक पर्टिकुलर मार्क्स का नहीं है, वो यूनिट है. यूनिट में से क्वेश्चन आएगा और एक यूनिट में 3 से 4 chapters हैं. लास्ट में हमारे पास बचते 5 markers. ये 5 markers 6 आए, जो मिलाकर के कुल आपके 30 marks के बनेंगे. अगेन 3 from each book, दोनों बुक में से 3 questions आएंगे. हाँ, उसमें ये जरूर है आपको अच्छी चॉइस मिली है एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट इफ यू हैव रेड द चैप्टर्स थॉरली आप उसको कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, एज यू नो, मैप ज्योग्राफी में मैप वर्क 10 marks का है, जिसमें से 5 marks आपके आइडेंटिफिकेशन के होते हैं जो बुक 1 से आता है. आइडेंटिफिकेशन कई मायनों में बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ जगह का नाम लिखना होता है, प्रोवाइडेड आपको जगह के सही नाम पता हो. उसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अलग अलग सीपोर्ट्स बना के खुद ही नाम लिख के देख सकते हैं या एयरपोर्ट्स बना के नाम लिखे हुए देख सकते हैं. जो शुरू के मैप वर्क हैं, आइटम्स हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है क्योंकि आपको हर कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री पता होनी चाहिए. जो मार्क आएगी आपने उसी कंट्री का नाम लिखना है. उसके बाद आपके कुछ एरियाज होते हैं मार्क करने के लिए, नाम लिखने के लिए आते हैं जो ऑलरेडी मार्क्ड होते हैं. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग और इवन यू हैव डेयरी फार्मिंग एरियाज, तो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड लर्न द नेम्स. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो कम एज 1 markers. इन द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव ओनली 4 industrial regions गिवन, आउट ऑफ दैट वी हैव 3 in North America. ये बहुत इजी हो जाता है. 4 आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं मैप लिस्ट में, जिसमें से 3 आपके नॉर्थ अमेरिका में हैं. वी हैव 4 waterways. इंटरनल वाटरवेज भी हमारे सिर्फ 4 हैं, वो भी आपको इजीली मार्क हो जाएंगे इफ यू जस्ट रिमेंबर द नेम्स. और अब तो बहुत ही इजी कर दिया है CBSE ने, वी हैव ओनली टू मार्क 5 megacities. पिछली इससे पहली बार तो हम बहुत नंबर्स में सिटीज बताते थे बच्चों को, अब तो सिर्फ आपको 5 cities ही आनी चाहिए एंड आउट ऑफ दैट 2 are in India. तो आप इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए कि वर्ल्ड मैप बहुत ईजी है, यू कैन ईजिली स्कोर 5 marks. आपको सिर्फ सीपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है कॉन्टिनेंट वाइज.
Now, if we come on to India, और अगर आपने 10th आपने अच्छे से पढ़ी है तो 50% मैप वर्क तो आपका वहीं हो जाता है, अगर आपने 10th की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के दी है तो. बहुत कुछ कॉमन है उसमें. शुरू में कुछ आपको स्टेट्स मार्क करने हैं, तो आपको इंडिया के सारे स्टेट्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. स्टेट्स वाला इजी रहेगा, प्रोवाइडेड यू नो द राइट स्टेट. आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है, आयरन ओर माइंस, कॉपर माइंस, कोल माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. आप अपना एक मैप, अपने पास 10-20 मैप्स रखिए और जब आपको मौका मिले दो सिर्फ आइटम्स प्रैक्टिस करिए डेली. वी हैव इनफ टाइम फॉर द एग्जाम्स. आप सिर्फ दो ही आइटम्स उसमें करेंगे तो भी हो जाएगा. और इस बार ये भी मैप में बहुत अच्छा है कि इंडिया वाले मैप में कि यू आर बीइंग गिवन 7 ऑप्शंस, आउट ऑफ दैट यू ओनली हैव टू डू 5. आपको 7 में से 5 चीजें करनी है तो उसमें भी आपको चॉइस मिल रहा है. मैप इज हाईली स्कोरिंग, यू विल बी एबल टू गेट 100% मार्क्स इन मैप वर्क. नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ फ्यू टिप्स ऑन हाउ टू गिव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन इन योर बोर्ड पेपर. आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है. बोर्ड का पेपर का टाइम यूजुअली 10:30 से 1:30 बजे तक होता है. पेपर आपको 10:15 बजे मिलेगा. अपना 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश करिए और उसको समझिए भी. अगर आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं और कहीं पर कोई आपको वर्ड में दिक्कत आ रही है, उसके नीचे हिंदी भी आती है, क्वेश्चंस की हिंदी भी आती है, आप हिंदी का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. उससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ये बात आप ध्यान रखिए. और लेकिन टाइम के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पेपर. आपने 15 मिनट में वो पूरा पेपर एक बार पढ़ना है. पेपर पढ़ने के बाद आप वापस एमसीक्यू पे आइए, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका थोड़ा टाइम लगे, समय लगे. ये पहली बार है, 18 क्वेश्चंस पहली बार आपके एज ओटीक्यूज और एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो उसमें आपको जरूर सोचना पड़ सकता है. और कुछ चैप्टर्स जो कि आपके इंटर रिलेटेड हैं वर्ल्ड के और इंडिया के, तो कई बार आप ये समझ में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है कि ये वर्ल्ड का क्वेश्चन है या इंडिया का क्वेश्चन है. अदरवाइज क्वेश्चंस क्लियर आते हैं पेपर में. बट अगर कुछ ऐसा चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, जो आपके वर्ल्ड और इंडिया दोनों में है, तो उसके ऊपर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा. 18 क्वेश्चंस साथ साथ पढ़ते हुए हल्का सा, बहुत हल्का सा पेंसिल से एक डॉट लगा सकते हैं कि ये उसका आंसर है, तो आप अपने बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मुझे उन 18 क्वेश्चंस के आंसर आ गए. उसके बाद पेपर आपने बिल्कुल लाइन अप करना है सेक्शन वाइज. द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 18 वन मार्कर्स, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, एंड सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स. आप अपना पेपर सेक्शन सी से शुरू कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगता है 5 नंबर के क्वेश्चन देखने में, जिसका आंसर 150 वर्ड्स का होना चाहिए, तो आप अपना 5 मार्कर से शुरू कर सकते हैं. बट वो क्वेश्चंस प्लीज आप ऑर्डर में करें. और अगर आपका थोड़ा सा स्पेस नीचे 2-3 लाइनों का बच रहा है बोर्ड के पेपर में, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उसको छोड़ दें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से शुरू करें. राइटिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए विद मिनिमम नंबर ऑफ कटिंग्स. और अगर कटिंग हो भी गई है, उसको सिंगल लाइन से, जस्ट सिंगल लाइन से कट करें. राइट, जस्ट स्क्रैचिंग अप द थिंग वोंट हेल्प यू आउट. योर पेपर शुड लुक नीट एंड क्लीन. सो दिस इज माय फर्स्ट थिंग, रीड द पेपर थॉरली. आफ्टर दैट डिसाइड विच क्वेश्चंस यू हैव टू डू. आप सेक्शन ए से शुरू करना चाहेंगे, सेक्शन सी से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार आपकी राइटिंग स्पीड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता. आप बहुत अच्छी तरह आंसर आता है, आप 2 पेज से लेकर के 3 पेज भरना चाहेंगे, तो मेरा ये सुझाव है उस चीज़ के लिए आप अपना 5 मार्कर्स से शुरू करें, कम टू 3 मार्कर्स एंड देन 1 मार्कर्स. अब 1 मार्कर्स में खाली ए बी सी डी नहीं लिखना है, जो आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, उसके साथ जो पूरा स्टेटमेंट है वो भी लिखना है. आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे 18 ऑप्शंस लिखने के लिए. सो प्लीज राइट द सेंटेंस और द वर्ड गिवन विद दैट ऑप्शन. ज्योग्राफी में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर नहीं भी पूछा गया तो आप एग्जाम्पल्स लिखिए और डायग्राम भी बनाएं. अगर आपको कोई डायग्राम आता है, आप पेंसिल से बना सकते हैं जो उस क्वेश्चंस के रिलेटेड में होता है.
एग्जामिनर को लगना चाहिए इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है और इसने डायग्राम या एग्जाम्पल्स के सहारे इसको और अच्छा बनाने का कोशिश की है। कई बार क्वेश्चंस के कुछ सब पार्ट्स भी आते हैं, आप मेन क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, वो सब पार्ट्स कई बार रह जाते हैं। सो एक वंस यू राइट एन आंसर टू वन क्वेश्चन, आप उसके नीचे दिए गए सब पार्ट्स को भी ध्यान से पढ़ लें कि आपने उनका आंसर लिख दिया है, नहीं लिख पाए हैं, नहीं छोड़ दिया कहीं बीच में, तो आप उधर कोई सिंबल बना करके बाद में लिख सकते हैं। ये कॉमन एरर है जो हमेशा कई बार बोर्ड में देखा गया है कि अगर एक क्वेश्चन के दो तीन डिवीजन है, बच्चे दूसरा या तीसरा कई बार करना भूल जाते हैं। मैप्स, नाउ टू मैप्स हैव टू बी अटैच्ड विद द आंसर शीट। मैप को पीछे बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि आपको एक थ्रेड मिलता है टाइप करने के लिए, कई बार आपका मैप नहीं ठीक से नहीं टाई अप हो पाता। हमेशा कोशिश करें मैप्स को शीट के सेंटर में लगाने के लिए, हमेशा आप उसको सेंटर में ही लगाएं। आपका मैप वर्क हो गया, मैक्सिमम 15 मिनट में आपके दोनों मैप्स हो जाएंगे, उसको उठा करके रखें और जब आपका पेपर फिनिश हो जाए आप उसको सेंटर में लगा दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 5 मार्कर में इफ यू हैव पॉइंट्स राइट देम इन कैपिटल्स एंड अंडरलाइन देन विद अ ब्लैक पेन। आप बोर्ड में सिर्फ दो ही पेन्स का यूज कर सकते हो, ब्लू या ब्लैक। जब आपने उसके मेन हेडिंग्स कैपिटल्स में लिखे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, आपने उसकी हेडिंग बनाई 5 मार्कर में, उसको अंडरलाइन करा एंड देन यू आर एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स इन 4-5 lines ईच, प्लीज यू विल गेट टू नो द आंसर very quickly. Please don't get confused over it. Don't get nervous. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आपको सब याद आ जाएगा। जैसे आप सबने देखा होगा CBSE ने सैम्पल पेपर लॉन्च करा था जिसके थ्रू आपको पता चला इस साल पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। इसको और ईजी बनाने के लिए अरिहंत पब्लिकेशंस की आई सक्सीड नाम की सीरीज आई है, उसमें ज्योग्राफी के 15 सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं जिसमें से 1-5 सैंपल पेपर्स विद आंसर्स, 6-10 सैंपल पेपर्स में आंसर्स बाद में है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप अपने आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं और बाद में उसमें आंसर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद 5, 11-15 सैंपल पेपर्स जो हैं वो अनसॉल्व्ड हैं, वो आप अपनी तरफ से सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं एंड यू कैन डू 1 sample paper a day. That will give you ample practice for your coming boards. Arihant I Succeed sample papers book apne aap mein hi itni sufficient hai that it will help you to score better marks in your board exams if you need some practice papers. I'm sure now you are a little more confident in how to attempt the board paper. Aapko marking scheme aur paper karne ka tarika samajh mein aaya hoga. Ab aate hain एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। डेफिनेटली फ्रॉम माय साइड अ 3 marker इज गोइंग टू कम फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ बुक 1 वेयर ह्यूमन ज्योग्राफी, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे आपका 1 mark में आए चाहे 3 mark में क्वेश्चन आए, डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म के ऊपर एक आने की पूरी संभावना है एक 3 marker आने की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी हो सकता है। Then we can have some 1-3 marker or 5 marker from primary, secondary or tertiary activities. इसलिए ये चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, तो उसको भी रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज आप बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके एडवांटेजेस पढ़ें और अलग कॉन्टिनेंट में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दी गई है एक बार ध्यान से उसको भी देखें, बिकॉज वो भी आपके 1 markers में आ सकता है। द लास्ट टॉपिक अबाउट सेटलमेंट्स इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू हैव बीन गिवन द रूरल सेटलमेंट्स एंड द अर्बन सेटलमेंट्स एंड द डेफिनेशंस ऑफ मेगालोपोलिस, कॉनर्बेशन, मेट्रोपोलिटन सिटी एंड हु हैज नेम्ड दोज टर्म्स, द नेम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, सार ये है कि आपको चैप्टर्स तो थॉरली पढ़ने पड़ेंगे। अगर वो 5 या 3 marker में कवर नहीं होता तो हो सकता है वो मैच द कॉलम जैसी चीज में 1 mark में कवर हो जाए।
सेकेंड बुक जो टोटली इंडिया के ऊपर है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है. आपका स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच कैन कम इन 5 मार्कर्स, फॉलोड बाय वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज में यू हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर पोल्यूशन और दोज स्मॉल बॉक्सेस गिवन इन द बुक्स कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट. जैसे उसमें नमामि गंगे के बारे में दिया हुआ है, आपके पोल्यूशन चैप्टर में बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो उसको इस बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है. उसमें से भी आप 1 मार्कर यू कैन गेट. नाउ ट्रांसपोर्टेशन कवरिंग इंडियन पोर्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. लैंड, एयर, वाटरवेज, एयरवेज में से भी कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, उसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है. ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ से एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है जिसमें आप इंदिरा गांधी कैनाल, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, भरमौर रीजन के बारे में आप पढ़ते हैं. कोई भी बॉक्सेस को आप छोड़िएगा नहीं. जितने चैप्टर्स में बॉक्स दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से रीड करिएगा, उसमें से हो सकता है 1 मार्कर आ जाए. द बेस्ट एग्जाम्पल इज एनी वन क्वेश्चन अबाउट धारावी, द स्लम्स विच हैव बीन गिवन अंडर लैंड डिग्रेडेशन, the problems of rural settlements. Dear students, now this was all about how to attempt geography paper in the upcoming board exams 2020. I wish all the best for your exams. Be very, very attentive and careful while attempting your paper. This paper can bring you 100%, right? And you have ample time to study for your exams. So all the very best for your board exams.